हौसला रखो, जे किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आ गई तो तुम हौसला रखोगे तो फिर तुम्हें ईजी होगा, नहीं तो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शहनाज गिल और दलजीत का पूरा इंटरव्यू, जिसमें दलजीत शहनाज को हौसला रखने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो खुश रहने की कोशिश करें। और वहीं शहनाज गिल का इंटरव्यू देखकर आपको रोना आ जाएगा। शहनाज गिल पूरी तरीके से टूटी हुई नज़र आ रही थी और वहीं उनकी हंसी और मुस्कुराहट पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। जो लड़की बहुत ज़्यादा चुलबुली हुआ करती थी और उनके फैंस उन्हें देखकर हंसते मुस्कुराते थे, आज उनके जब फैंस उन्हें देखते हैं तो मायूस हो जाते हैं। वहीं शहनाज की जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो एक बार सोच के देखो शहनाज गिल की हालत क्या होगी और वो खुद को कैसा महसूस कर रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। जे किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आ गई तो तुम हौसला रखोगे तो फिर तुम्हें ईजी होगा, नहीं तो टफ हो जाऊगा। सो हौसला रखो, 15 तरीक नू आ रही थिएटर च, हौसला रख। एक्चुअली ये चीज तो तारीफ करन वाली है, मैं जिन्या भी फिल्मा कीतियां आ दिलजीत दी पहली ऑब्वियसली एज अ प्रोड्यूसर आ, और मेरा दिलजीत थिन जी दे नाल भी पहली वारी काम आ। मैनू मैं इदा दा ट्रीटमेंट पंजाबी फिल्म च नहीं देखिया, सो मैनू नहीं लगता उन्होंने कदे भी किसी चीज नू कैलकुलेट, इनफैक्ट कदे कदे मैनू लगदा सी इन्ना खर्चा भी कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज शायद असीं पहला नहीं देखिया। मेरी नेचर आ, मैं सारे नू इक्वली समझदी आ के आवी इन्ना भी गल कर ला इन्ना भी, क्योंकि मेरा इदा दा नेचर आ, मैं किसी नू देखदी नहीं, मैं जज नहीं करदी, एनालाइज नहीं कर पांदी, कर पांदी आ बट गल सारे नाल कर लैनी आ। ते ओ मैनू समझाउंदे सन इन्ना नाल इदा, ते ओ मैनू ओ चीज़ बहुत वधिया लगदी सी, मैनू गाइड करदे सी, एंड ओ पता लगदा सी कि हां सच्ची गल सच्ची सीगी। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਟ ਲਾਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਯੈਸ ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ।